सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट के नुकसान पर 236 रन बना लिए हैं और वो अभी भारत से 386 रन पीछे है। खराब रोशनी के चलते मैच पहले ही खत्म हो गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले जा रहे चौथे और आखिरी टेस्ट मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी ज़्यादा अच्छी नहीं रही और दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट के नुकसान पर 236 रन बना लिए। तीसरे दिन बिना किसी नुकसान के 24 रन से आगे खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट उस्मान ख्वाजा का गिरा और वो 27 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद मार्कस हैरिस और मार्कस लबुशेन ने टीम को संभाला और स्कोर को आगे ले गए, लेकिन मार्कस हैरिस 79 रन बनाकर आउट हो गए और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के विकेट थोड़ी थोड़ी देर में गिरते रहे। खराब रोशनी के चलते मैच पहले ही खत्म हो गया और ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट के नुकसान पर 236 रन बना लिए हैं। पीटर हैंडस्कॉम 28 और पैट कमिंस 25 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 3 और रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट लिए हैं।